अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेगा गैस सप्रेशन सिस्टम के बारे में। हमारा एक दोस्त हम लोग को मैसेज किया इसके रिलेटेड में वीडियो बनाने के लिए। ये ऑटोमेटिक सप्रेशन सिस्टम है, इसको इसमें पानी इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें आग बुझाने के सिस्टम में गैस का मिश्रण यूज करता है। ये आग को बढ़ने के लिए नहीं देता है, आग को रुका देता है ये सिस्टम। कभी कोई अलार्म आएगा, ये सिस्टम एक्टिवेट होगा, आग को बढ़ने के लिए नहीं देता है ये सिस्टम। ये सप्रेशन सिस्टम दो तीन तरह का होता है। इसको FM 200 बोला जाता है, नो बोला जाता है, और CO2 रिलीजिंग सिस्टम बोला जाता है। ये सप्रेशन सिस्टम किधर यूज़ करता है? जैसा कि कोई कीमती इक्विपमेंट है, जैसा कि कोई वैल्यूएबल डाटा स्टोरेज एरिया है, उसमें ये सप्रेशन सिस्टम यूज़ करता है। जैसा कंट्रोल रूम हो गया, कम्युनिकेशन रूम हो गया, ऑक्सिलरी रूम, बैटरी रूम, एलसीसी पैनल यूज़ करता है। ये सप्रेशन सिस्टम कैसा काम करता है? अगर कोई स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होगा, कोई फायर से, कोई भी से, अगर कोई स्मोक डिटेक्टर एक्टिव होगा, फिर ये स्मोक डिटेक्टर पैनल को सिग्नल देगा, पैनल सप्रेशन सिस्टम को सिग्नल देगा, सप्रेशन सिस्टम रिलीज होगा। ये सप्रेशन सिस्टम रिलीज होने के बाद पाइप के थ्रू जिधर फायर हुआ, फायर फ्लेज में जाएगा। पाइप के एंड ऑफ पॉइंट में नोजल लगा रहेगा, नोजल से केमिकल बाहर आएगा, बाहर आके आग बुझाएगा। ये सप्रेशन सिस्टम कैसा एक्टिव होता है? कभी भी दो डिटेक्टर एक्टिव होगा क्रॉस जोन में, नहीं तो सेम जोन का दो डिटेक्टर एक्टिव होगा, फिर ये सप्रेशन सिस्टम रिलीज होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जब ये स्मोक डिटेक्टर सिग्नल देगा, ये पैनल में आएगा, पैनल SRP में देगा, SRP लॉगआउट में देगा, लॉगआउट के बाद फिर सिलेक्टर स्विच में जाएगा। जब भी कोई फायर आएगा, इसके बाद जब पैनल में सिग्नल आएगा, पैनल क्या करेगा, इसका साथ मिला हुआ जितना बेल स्टॉप और स्टॉप जितना है सबको एक्टिव कर देगा, सब साउंड देता रहेगा। हम लोग सप्रेशन सिस्टम को दो तरह का एक्टिव कर सकता है, एक मैनुअली, एक ऑटोमेटिकली। मैनुअली जैसा होगा, कोई डिटेक्टर फायर से कोई डिटेक्टर एक्टिव हो गया क्रॉस जोन में, फिर डिटेक्टर पैनल को सिग्नल देगा, पैनल सप्रेशन सिस्टम को सिग्नल देकर जो अलार्म आने के बाद 30 सेकेंड के बाद सप्रेशन सिस्टम रिलीज होगा। मैनुअल रिलीज खींच देगा, फिर तुरंत 0 सेकंड के बाद सप्रेशन सिस्टम रिलीज होगा। इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर का थ्रू कोई भी अलार्म आया, अगर मैनुअल रिलीज खींचा, कोई अलार्म से अगर सिलेंडर एक्टिवेटर एक्टिव नहीं हो रहा है, अगर ए फिन है, अगर इसको खींच देगा, रिमूव कर देगा, फिर तुरंत जो इसका फिन बाहर आ जाएगा, सिलेंडर रिलीज हो जाएगा। चलिए, हम लोग डिटेक्टर एंड ओनली मैनुअल रिलीज से एक्टिवेट होता है सप्रेशन सिस्टम और देख लेता है। ये हमारा रिलीजिंग चैनल का डायग्राम है, ये एक्टिव होगा, कोई भी अलार्म आएगा, कोई भी डिटेक्टर एक्टिव होगा, ये टू डिटेक्टर एक्टिव होगा क्रॉस जोन में, एक्टिव होगा तो पैनल को सिग्नल देगा, फिर दैट टाइम पैनल SRP को सिग्नल देगा, SRP लॉगआउट सिलेक्टर स्विच को देगा, इसके बाद एक्टिवेटर एक्टिव होगा। आप लोग इधर देख सकते हैं, ये SRP है, मॉड्यूल 2 है, ये SRP है। SRP के बाद ऑटो मैनुअल स्विच में गया हुआ, इसके बाद लॉगआउट में, इसके बाद कॉयल में गया हुआ है, एक कॉयल है, इसके बाद कॉयल से सिलेक्टर स्विच में जा रहा है, सिलेक्टर स्विच आगे मेन एक्टिवेटर एंड रिजर्व एक्टिवेटर को दे रहा है।
इसके बाद सी एच एम हेड मोनिटर है, ई ए इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है। ये ऑटोमैनुअल चीज़ है, ये अभी नॉर्मल पोजीशन में, ये एक्टिव। अभी इसको आप लोग पैनल में देख सकते हैं, ये सुपरवाइजरी में आएगा, मैनुअल मोड एक्टिव हो गया। अभी इसका मतलब अभी कोई भी अलार्म आएगा, ओनली डिटेक्टर से कोई अलार्म देगा, कोई डस्ट कुछ होगा, फायर से अगर डिटेक्टर एक्टिव हो जाएगा, दो डिटेक्टर क्लोज जोन में भी एक्टिव होगा तो सिलेंडर रिलीज नहीं होगा। जब इसको नॉर्मल करेगा, जब इसको नॉर्मल करेगा फिर सिलेंडर रिलीज होगा। ये सिर्फ डिटेक्टर के लिए यूज़ करेगा, अगर मैनुअल रिलीज से वो मैनुअली अगर रिलीज़ करेगा तुरंत सिलेंडर रिलीज हो जाएगा। ये सिर्फ डिटेक्टर के लिए, कोई भी मेंटेनेंस के लिए अगर डस्ट होगा, कोई भी फायर होगा, फायर से अगर डिटेक्टर एक्टिव हो जाएगा तो सिलेंडर रिलीज नहीं होगा। जब इसको नॉर्मल करेगा फिर सिलेंडर रिलीज होगा 15 सेकेंड के बाद। इसके बाद ऑटो मैनुअल के बाद इससे SRP में जा रहा है केबल। इसके SRP क्या, ये नैक है, ये पैनल से नैक केबल आ रहा है, ये 24 वोल्ट नैक आ रहा है, ये SLC है, और ये इसके बाद ये आउटपुट का केबल है इसका, ये जो कॉइल है ये आउटपुट में जा रहा है, ये आउटपुट जा रहा है लॉग आउट स्विच में, ये केबल लॉग आउट में जा रहा है। जैसा भी बोला SRP के बाद एक कॉइल से लॉग आउट स्विच में आ रहा है, एक की मेंटेनेंस स्विच है, लॉग आउट स्विच है, लॉग आउट स्विच से आ रहा है सिलेक्टर स्विच में, सिलेक्टर स्विच के बाद दो सिलेंडर में जा रहा है, एक ऊपर मेन सिलेंडर, एक रिजर्व सिलेंडर। ये मेन सिलेंडर है और एक रिजर्व सिलेंडर है। सिलेंडर का इधर इधर LPS लगेगा, इधर LPS लगेगा, ये लो प्रेशर स्विच है, ये LPS है, ये पोजीशन में लगेगा, ये ऊपर एक्टिवेटर है, नीचे हेड मॉनिटर है। हेड मॉनिटर का आप लोग देख सकता है, अगर जब ये बैठेगा फिर ये हेड मॉनिटर जो अभी एबनॉर्मल में आएगा, फिर ये जब इसको बैठेगा फिर नॉर्मल हो जाएगा हेड मॉनिटर। ये DPS स्विच है, जब गैस रिलीज होगा, जब गैस पास होगा, इधर से पास होगा, फिर इसमें प्रेशर आएगा, ये एक स्विच है, ये स्विच ऊपर आ जाएगा, फिर अलार्म आएगा पैनल में, इसका मतलब है गैस रिलीज हो गया। ये इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर है, जब अलार्म आएगा, अलार्म आने के बाद सिलेक्टर स्विच आगे मेन सिलेंडर को एक्टिव करेगा रिजर्व। इसके बाद मेन, अगर मेन सिलेंडर वो आग नहीं बुझा सकता, उसके उससे कोबन नहीं हो रहा है, फिर मैनुअली आके रिजर्व सिलेंडर एक्टिवेट कर सकता है। इसका ये इधर एक पिन है, ये पिन जब ये एक्टिव होगा, ये पिन बाहर आ जाएगा, ये सिलेंडर को हीट करेगा, इधर सिलेंडर को हीट करेगा, हीट करने के बाद गैस रिलीज होगा। ये मल्टी मल्टी सेंसर स्मोक डिटेक्टर है, इसमें ये स्मोक भी लेगा, हीट भी लेगा। S-Zone 1 है, इसमें एक्टिव करने के लिए, पैनल को एक्टिव करने के लिए क्रॉस जोन चाहिए, दो जोन चाहिए, Zone 1 Zone 2। S-Zone 1 है, जब ये एक्टिव होगा फिर Zone 2 एक्टिव होगा तो बाद में सिलेंडर रिलीज होगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर है, Zone 2 है, जब एक्टिव होगा, दोनों डिटेक्टर एक्टिव होगा, इसके बाद सिलेंडर रिलीज होगा। जब ये डिटेक्टर पैनल को सिग्नल देगा, पैनल आगे सिग्नल पास करके FM 200 सिलेंडर को रिलीज करेगा। जैसे बोला हम लोग पैर रिलीजिंग पैनल पैनल का बारे में, इसमें हम लोग ये SRP पे जा रहा है केबल, SRP नेक, फिर हॉर्न स्टॉप में जा रहा है, फिर एस स्टॉप में जा रहा है। जब भी कोई अलार्म आएगा, कोई डिटेक्टर एक्टिव होगा, पहले स्टॉप और स्टॉप चलेगा, इसके बाद मालूम हो जाएगा इधर कोई अलार्म है, अलार्म आया हुआ।
अभी हम लोग एक्टिव करके देखाएगा स्मोक डिटेक्टर से। जैसे हम लोग बोला और आएगा, आग आएगा, इसमें स्मोक आएगा जो स्मोक डिटेक्टर का बेस में। जब भी स्मोक लेगा तुरंत वो अलार्म आ जाएगा, वो सिग्नल पैनल को पास करेगा, सिग्नल पैनल हॉर्न स्टॉप स्टॉप को सिग्नल देगा, फिर हॉर्न स्टॉप स्टॉप चलेगा। इसके बाद दो क्रॉस जोन जब एक्टिव होगा 30 सेकेंड का बाद सिलेंडर रिलीज होगा। 30 सेकेंड का बाद एक्टिवेटर को एक्टिव करेगा पैनल, इसके बाद सिलेंडर रिलीज होगा। जब भी अलार्म आएगा सिलेंडर एक्टिव, आप लोग देख सकते हैं ये FM200 सिलेंडर है। जब भी अलार्म आएगा इधर एक्टिवेटर इसको एक्टिव करेगा, एक्टिव करने के बाद इधर गैस रिलीज होगा। इसके इधर कनेक्शन होके जाके पाइप पाइप के थ्रू जाके ये नोजल है इसका, इसके अंदर आके ये केमिकल निकल के आग बुझाएगा। अभी हम लोग देखा था कैसा डिटेक्टर डिटेक्टर से एक्टिव करता है। आप लोग देख सकता है ये डिटेक्टर एक्टिव हुआ। एक्टिव होने के बाद ये तुरंत पैनल सिग्नल दिया, हॉर्न स्टॉप और स्टॉप चल रहा है। ये पैनल में ये फायर वन है, इसका मतलब डिटेक्टर वन ये जोन है। जोन वन का डिटेक्टर वन एक्टिव हुआ। अभी एक एक डिटेक्टर एक्टिव हुआ, बाद में दूसरा दूसरा जोन का दूसरा डिटेक्टर जब एक्टिव होगा फिर सिलेंडर रिलीज होगा। आप लोग देख सकते हैं दूसरा डिटेक्टर एक्टिव हुआ, पैनल में आया, पैनल में शो कर रहा है। डिटेक्टर टू एक्टिव हुआ। अभी इसका अलार्म देने का बाद 30 सेकेंड का बाद हमारा एक्टिवेटर एक्टिव होगा। ये एक्टिवेटर एक्टिव हो गया। अब इसका मतलब अगर ये सिलेंडर में लगा रहता है फिर ये सिलेंडर एक्टिव कर देता है। एक्टिव करने के बाद फिर सिलेंडर नोजल का थ्रू है पाउडर और गैस आके आग बुझा देता है। अभी हम लोग मैन्युअली एक्टिवेट करके देखाएगा कैसा मैन्युअली सिलेंडर को रिलीज करता है। दो तरह का होता है, एक डिटेक्टर का थ्रू, एक मैनुअल रिलीज है। रिलीज का थ्रू ये मैनुअल रिलीज अभी खींच दिया, 2 सेकंड में एक्टिव हो जाएगा ये एक्टिवेटर। अचानक कोई डस्ट से अगर डिटेक्टर क्रॉस जोन एक्टिव हो गया, दोनों डिटेक्टर एक्टिव हो गया, 30 सेकंड का बाद एक्टिव होगा। इसके अंदर आके अगर कोई अगर एबोर्ट स्विच को प्रेस करके रखेगा, आप लोग देख सकते हैं इसमें सुपरवाइजरी में आ रहा है। मॉड्यूल 9 अबाउट स्विच LCC सिस्टम 5 क्या वो एक्टिव हो गया। जब वो प्रेस करके जब कोई मैनुअल रिलीज खींच देगा ये मैनुअली एक्टिवेट कर देगा तो फिर ये अबाउट स्विच काम नहीं करेगा। जब डिटेक्टर एक्टिव होगा क्रॉस जोन में फिर ये अबाउट स्विच काम करेगा। आप लोग देख सकता है एक डिटेक्टर एक्टिव हुआ, जोन वन का डिटेक्टर एक्टिव हो गया। हम पैनल में फायर वन आ गया। जब जब भी डिटेक्टर दूसरा डिटेक्टर एक्टिव होगा फिर आप लोग देख सकते हैं दूसरा दूसरा अलार्म आ गया। ये दूसरा अलार्म है, दो डिटेक्टर एक्टिव हुआ। अभी 15 सेकेंड का बाद अगर ये कोई अबाउट से स्पेस करके रखेगा ये एक्टिवेटर को एक्टिव होने के लिए नहीं देगा। आप लोग देख सकते हैं प्रेस करके सिस्टम रिसेट कर देगा, ये पैनल को रिसेट कर देगा तो एक्टिवेटर एक्टिव नहीं होगा। ये सिस्टम रिसेट हो जाएगा, डिटेक्टर को रिसेट कर देगा पैनल। ये अबाउट स्विच सिर्फ डिटेक्टर से काम करेगा। अगर लगा हुआ है ये 37 सेकेंड हो गया, जितना टाइम ये प्रेस करके रखेगा ये आगे एक्टिवेटर को एक्टिव होने के लिए नहीं देगा। अभी कोई भी आदमी जाके अगर पैनल रिसेट कर देगा फिर ये पैनल डिटेक्टर और डिटेक्टर को रिसेट कर देगा। आप लोग देख सकते हैं ये एक्टिवेटर एक्टिव नहीं हुआ, ये एक्टिवेटर है। आप लोग देख सकते हैं ये दो अलार्म में ये सुपरवाइजर एयरपोर्ट स्विच के सुपरवाइजर ये एक्टिव हो गया। ये अबाउट स्विच क्या ये प्रेस करके रखा है, ये एक्टिव है।
ट्रैवल में अभी तक एक्टिविटी एक्टिव नहीं हुआ। SRP क्या मॉड्यूल 8 का कोई ट्रैवल नहीं आया। अगर ऐसे रिलीज हो जाता है इसमें ट्रैवल आता है। SRP मैनुअल आउटपुट एब नॉर्मल बोल के नेट ओपन सर्किट बोल के इसमें ट्रैवल आता है। अभी हम लोग पैनल रिसेट कर देगा। ये पैनल रिसेट है, ये पैनल रिसेट कर देगा तो ये सिलेंडर रिलीज नहीं होगा। ये पैनल डिटेक्टर को रिसेट कर देगा। फिर देख सकता है पैनल रिसेट हो गया। सिस्टम रिसेट कंप्लीट, पैनल रिसेट हो गया। अभी पे इसमें दो ट्रबल है, एक नेक नेक कार्ड वन का, एक नेटवर्क कार्ड का। ये दो ट्रबल है। अभी हम लोग देखा है FM200 सिलेंडर कैसा रिलीज करता है, कैसा डिटेक्टर से जो मैनुअल रिलीज से। आगे हम लोग इसका जो लॉग आउट ऑटो मैनुअल से SRP कैसा ट्रांसमिशन करता है वन बाय वन वीडियो लेके आएगा। तो हमारा वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक शेयर करिए। थैंक यू।